नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं नूरज शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को लेकर हमीरपुर के राठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को लेकर शहर की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज ये जरूर योगी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में मुंडई बदमाशी अंधेरगर्दी मचाए पड़े हैं, उसके खिलाफ है। आज जैसे कि आप मौत थाने झांसी जिला में मौत थाने के अंतर्गत करगवा खुर्द गाँव में पुष्पेंद्र यादव, जो कि बिल्कुल निर्दोष था, जिसके खिलाफ आज तक 151 तक की रिपोर्ट नहीं थी, उसको वहाँ के एसओ ने धर्मेंद्र चौहान ने बुलाकर उनसे पैसे मांगे। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उसे पुष्पेंद्र यादव को गोली मार कर हत्या कर दी गई। इसी तरीके से बदायूं में विकपाल मौर्या के साथ हुआ, उसे पुलिस बेवजह ले जाती है और पुलिस कस्टडी में इतना मारा जाता है कि वो बेचारा मर जाता है। तो ऐसी डूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आज हमारा जुलूस है और इस सरकार को हम लोग 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।